जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम एस्ट्रो मूल मंत्र में। एक ऐसा मूल मंत्र जहां बहुत रिसर्च, बहुत शोध के बाद हम लेकर के आते हैं आपके लिए छोटे छोटे उपाय जो आपके जीवन में अहम बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं, जो आपके जीवन की परेशानियों को कम करने में आपके लिए सहायक हो सकते हैं। क्या है आज का मूल मंत्र और किन लोगों के लिए विशेष आज का मूल मंत्र समर्पित है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किन लोगों के लिए विशेष आज का मूल मंत्र। अगर आपके जीवन में अभी प्रेम विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, अगर आप बहुत लाख प्रयास करने के बाद भी मनचाहा जीवन साथी आपको नहीं मिल पा रहा है, चाकर के भी आपका योग नहीं बन पा रहा है मनचाहे जीवन साथी के साथ शादी का, आज का मूल मंत्र बस अगर उन्हीं में से आप एक हैं तो आज का मूल मंत्र विशेष आपके लिए समर्पित है। क्या करना है ऐसे व्यक्तियों को, कौन से ऐसे छोटे उपाय जो आपको लाभ देंगे, आइए जानते हैं। वीडियो आप अंत तक देखिए, आपके जीवन की परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। सबसे पहले क्या करना है, शुक्रवार की रात को एक कार्य करना है। क्या करना है, शुक्रवार की रात्रि में 8 छुआरे पानी में उबाल लें। 8 छुआरे करीब करीब आधा लीटर या 1 लीटर पानी में आप उबाल लें, आधा लीटर से ज्यादा पानी हो, और बॉईल कर लें अच्छी तरह, 2-3 मिनट बॉईल कर लें। उबलने के बाद उस जल को एज इट इज उठा करके अपने सोने वाले स्थान पर सिरहाने रखकर सो जाएं। जिधर आप सोते हैं आपका जो सर होता है उस साइड में आप अपने बेड के नीचे रख लें, अगर बेड के नीचे जगह नहीं है तो साइड में जमीन पर रख सकते हैं, रखना जमीन पर ही है वो रखना है। और शनिवार को सुबह स्नान करने के बाद किसी भी बहते जल में अपने मनचाहे साथी के नाम का स्मरण करते हुए प्रवाहित कर दें। क्या करना है, अपने मनचाहे साथी के नाम का स्मरण करते हुए प्रवाहित कर दें। शुक्रवार की रात्रि में रखना है, शनिवार सुबह प्रवाहित करना है। पहला उपाय तो यह करना है। दूसरा, केले के वृक्ष की नियमित रूप से पूजा करना शुरू कर दें। गुरुवार को केले के वृक्ष के सामने गुरु के 108 नामों का उच्चारण करने के साथ शुद्ध घी का दीपक एक जलाना शुरू कर दें और जल अर्पण करना शुरू कर दें केले के वृक्ष में हर गुरुवार। मनचाहे जीवन साथी का नाम लेकर विवाह की कामना करें, अवश्य फल मिलेगा। बहुत बहुत आभार आप सबका। अगर आपको ये वीडियोस हमारी पसंद आती हैं तो आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। हमारे हर वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। Facebook पर अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो तो Facebook पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए शोध के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी तरफ से जय श्री राम।